हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा टिप्स एंड ट्रिक्स। आशा करे आपण माने समस्त बहुत भलर थिबे। तो सांग माने मु पुनी थरे आपनको पई किछि नुवा नुवा किचन टिप्स नेके आसीछि, जहा द्वारा कि आपनकर सबु काम बहुत सुरुखुरे इजी रे हिजिबो। तो चालंतु आजर वीडियो को आपण माने संपूर्ण भाबरे वाच करंतु। तो आजर प्रथम टिप्स रे रहिछि आपण माने किछि पैकेट जिनसरो जतेबेले पैकेट रो किछि जिनसो काढ़ कि पुनी थरे सील करिया पई पैकेट को चाहुथिबे तो केमिदि करियो। तो खंडे पेपर नै जिवे, आउ आपण माने कोन तळ लेयर आ ऊपर लेयर रे पेपर देबे, मझिरे आपनकर जो पैकेटटा थिबो सेटा रखि नेबे। तापर आपण माने आयरन को गरम करनेबे, आ आयरन को या उपरे दे देबे। आ जम्मा भी आपण माने आयरन को पॉलिथिन उपरे लगेबिनी, पूरा पूरी खाली पेपर उपरे आयरन देबे, नले पॉलिथिन दे आपणकर कणा हे जिवो। तो ता पूर्वर आपण माने कोन करथिबे, माने जहां भी सब एयर थिवो पैकेट भितर बाहर कर देथिबे चापी की, तापर ए प्रोसेसटा आपण माने करिवे। तो या पर आपण माने देखिबे आपणकर पैकेट टी पूर्व परिका जेमती नुवा करिक माने किणी के आनथिले, पूरा सेही टाइप रो पैकेटटा पूरा सील हेकी रहिथिबो। जम्मा भी ता भितर को एयर जिवोनी की तार भितर थिबा जिंस जम्मा भी खराब होबन। तो देखो केते सुंदर आमर पैकेट सील हो जाए। तो आपण माने हिसाब से पैकेट को सील करूँ, आ आपणकर सबू जिनस आराम से रखत, जमा भी खराब हेनी, मसे मसे पर्यटन रही। आशा कर टीप्स टी भल लगी, भल लगे समस्ते यूज करूँ, अन्य मान सहित सेयर करूँ। तो सेकेंड टीप्स रही है, जितेबाला आम मार्केट रू बहुत सारा आलू नहीं कि आसी था, बर्षा सीजन तो चलती जानते आपण मैंने आलू मैंने रहीगले बेस दिन खराब हो जाए। तो से आपने जानते कि रसुण मैंने चोपा थाए, भितर रसुणटा खराब हो जाए। तो से टाइप रसुण को आपने न फोपाड़ी से कुलर रसुण आपण माने आलू रे पकेई कि देखंतु, देखिबे आलू रे जो मॉइश्चर बाहरे जो इटा तो चुपारु, तो सेटा रसुण रो चुपा अब्जर्व करनबो, जहा फळ रे आलू जमा खराब होबोनी, आलू पचिबोनी, आलू पूरा भल रहइबो। तो चालंतु पुनी नेक्स्ट टिप देखिबा। तो आपण माने जेते बळे एमती तेल पैकेट रु तेल सब माने आपणकर बॉटल ले काढुछंती, तो तापर आपण माने कोन करंती, ए भितरे किछि तेल रही जाय थाए, जहा फळ रे आपण माने एमती पुनी थरे ताकु किछि समय पर रखि सारिया पर, सेई जो पट साइड रे आपण माने होल करिकि तेल बाहर करथिले, सेई पट साइड रे बाहर करिया पई माने बाहर करंती, जहा फळ रे आपणकर पैकेट भितरे जहा सब तेल लागिकि थाए से माने आ माने तळे जो रही जाय थाए तेल ऊपर को न आसीकि से फुनी से पैकेट रे लागि जाय थाए। तो आज बहुत सुंदर टिप्स रे शेयर करबी, जहा द्वारा कि आपणक भितरे गोटे ठोपा भी जदि आपणकर तेल थिबो ना, से पूरा पूरी बाहरी जो पैकेट रे जमा लागिबोनी। तो केमिति करिवे, तो एमिति ऊपर साइड रे आपण माने बाहर करथिबे तेल माने होल करिकि, तो सेमिति तार तळ साइड रे आपण माने छोटो गोटे कणा कर देबे। देखंतु एमिति कोइन साइज रे, तो जहा फळ रे तेल सब आपणकर देखिबे तो एमती रखी देथिया फल रे किछि समय सब तेल तळे रही जाइथिबो, जहा फल रे आराम से तळे बाहरी जीवो, से जम्मा भी ये करे आपण जदि उल्टे कि फुन थरे सेही होल पटे तेल बाहर करबा पई चेष्टा करबे, सब पोलथिने लागि जो जम्मा भी तेल बाहर को आसिबनी। तो आशा करछि टिप्स टे आपण मानकु पसंद लागथो। जदि आपणक घरे जेते बेले आपणकर फैमिली मेम्बर्स अधिका थिले कि जितेबेले भी आपण माने जो पैकेट भी यूज करुछंती तेल जरी, ताको आपण माने कोन करिवे रखि देथिबे, जम्मा भी फोपाड़िबे नै, एमती पांच छटा तेल जरी होगला पर आपण माने याकु जदि काढ़िबे ना, जेतिकी तेल बाहरिबो ता भितरे आपण माने गोटे तरकारी किंबा गोटे भजा भी मध्ये आराम से आपण माने करि पारिबे। हेला ना गोटे सुंदर सा टिप्स, जो गुडा गोटे जिनिस आपण माने वेस्ट करिकी फोपाड़ी देथांते, सेइथरे आपण मानकर तेल माने गोटे दिनर तेल आपणकर बाहरी जीवो। आई होप कि टिप्स टे आपण मानकु पसंद लागथियो, पसंद लागिले सबुले एमती ही यूज करूँ, यही प्रोसेस रे आपण माने पैकेट भितर पुणि थे तेल बाहर करूँ, आउ आपणकर बहुत सारा तेल को बचाई दिंतु, ता सहित आपणकर बहुत सारा मनी भी आपणकर सेव हो जीवो। तो आपण मानक जदि टिप्स टी भल लगे निहाती यूज करूँ, अन्य मानक सहित सेयार करूँ। आज टिप्स टी जदि भल लगी थे मते कमेंट सेक्शन में निहाती जनेबे। तो देखिपारे केते सारा माने आम तेल बाहरी गला, या तो आपण माने निहाती गोटे आइटम बने हेबो। तो ठीक अच्छे, तो चलतु आज नेक्स्ट टिप्स रे कौन अच्छी देखिबा। तो देखंतु नेक्स्ट टिप्स रे रही आमर बादाम को लेकिन, तो आम मार्केट रू एमती हो कि आम जब गाँव रोचे गच आमर बादाम गच नहीं आसिक बादाम घर रखि था, तो आम एमती रखीदे बादाम गुड़ा जल्दी खराब हो जाए, तेलिया हो जाए बादाम, जहाँफल खाला बेलू मानने भल लगे तार टेस्ट गोटे अलग आसे। तो से आपण मैंने कौन करेंगे, जदि भी मार्केट रू आपने बादाम किणिक आसुँच, तो आपण मैंने मानने एमती डबार रखा पूर्व आपण मैंने गोटे कड़ई में आपण मैंने हालाका ताकु गरम करनेबे। तो देखंतु एथि सबु बादाम को आपण माने दे देबे। तो हाँ सांग माने, जदि आज चैनल को माने नुआ आछंती प्रथम थर पई वीडियो को देखुछंती, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करंतु, ताकि नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। तो देखंतु एथि मु गैस ऑन करिकि बादाम को बेसी भाजिबेनी, हल्का भाजी देबे,
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ତରକାରୀ କଲେ କଞ୍ଚାବାଦାମ ଦରକାର ହୁଏ ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଚୋପାଟା ଖାଲି ଆମର ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇଯିବା ଦରକାର, ପୁରାପୁରି ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଜା ବାଦାମ ଚାହିଁବେ ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭାଜିକି ଖାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ହିସାବରେ ବି ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ, ବହୁତ ତରକାରୀରେ ଆମର ବାଦାମ ପଡ଼େ ତ ସେଇଥିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଟାଇପ୍ର। ଖାଲି ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ୟାକୁ ମାନେ ଗରମ କରିକି ରଖିବେ, ମାନେ ଟିକିଏ ଭାଜିକି ରଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସରେ ରହିଛି ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସାଲାଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ପତଳା ପତଳା କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ପିଆଜକୁ ପିଆଜ ଚୋପା ସହିତ ହିଁ କାଟନ୍ତୁ, କାରଣ ପିଆଜ ଚୋପା ସହ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାଟିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଜମା ବି ସ୍ଲିପ୍ କରିବନି, ଆଉ ପିଆଜଟି ଆରାମସେ ପତଳା ପତଳା ସାଇଜ୍ର କଟିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଆଜର ଚୋପାକୁ କାଢ଼ି ସାରିକି ଏମିତି ପତଳା କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଜମା ବି କଟିବନି, କାରଣ ପିଆଜ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ଆଉ ହାତ ଦେଇକି କାଟିଲା ବେଳେ ହାତ ବାରବାର ଖସିଯିବ ଆଉ ସେ ଭଲସେ କାଟି ହେବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚୋପା ସହିତ ମୁଁ କାଟିଥିବାରୁ କେତେ ପୁରା ପତଳା ପତଳା ହେଇଛି ଆମର ପିଆଜ। ତ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କେମିତି ପିଆଜର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସଫା କରିକି ଆପଣମାନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଆଜକୁ ପତଳା ପତଳା କାଟିକି ୟା ଉପରେ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପକାଇବେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନିହାତି କହିବି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କାଟିକି ପିଆଜକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୂଷା ପେରପେରିଆ ଅସରପା ଝିଟିପିଟି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜମା ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବେନି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅପରିଷ୍କାର କରିବେନି କି ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଥିବ ସେଥିରେ ଜମା ମୁହଁ ମାରିବେନି, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୂଷା ତ ବେଶୀ କି ମୂଷା ଜମା ବି ଆସିବନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ, ସମସ୍ତେ ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଲେ ମୋତେ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯାହାକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।